जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी कामयाबी की खबर के साथ। जशपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। AK-47 के साथ 3 नक्सली समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 दरअसल नक्सल सहयोगी बताए जा रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में मजदूर बनकर ये काम कर रहे थे, छिपे हुए थे। करमा गांव से नक्सली कमांडर समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। नारायणपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। AK-47 के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार, 3 सहयोगी भी पकड़े गए हैं। यहां पर हथियारों के साथ जशपुर में छिपे होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिस पर जिला जशपुर और जिला बलरामपुर की संयुक्त टीम द्वारा ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से एक AK-47, एक मैगजीन, 90 जिंदा राउंड, मोबाइल, नक्सली साहित्य, नक्सली वर्दी एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई। जशपुर से सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। दीपक, और क्या कुछ अपडेट इस मामले में? 3 सहयोगी भी गिरफ्त में लिए गए हैं। जी दलित, मैं आपको बताऊं कि कल देर शाम जो है झारखंड पुलिस जशपुर पहुंची और झारखंड पुलिस की निशानदेही पर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले और जशपुर पुलिस इसकी एक संयुक्त टीम बनाई गई और ये सारी टीमें मिलकर कुनकुरी क्षेत्र में पहुंची और कुनकुरी के करमा गांव में जो है एक नक्सली कमांडर, वो पिछले कई दिनों से छुपकर रह रहा था और वहां पर पोल्ट्री फार्म में वो मजदूर बनकर रह रहा था और पोल्ट्री फार्म को बढ़ाने की बात गांव वालों को कह रहा था और गांव वाले जो है बाहरी व्यक्ति के गांव के पर आने पर उसका विरोध भी कर रहे थे और इसी बीच जो है पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने नक्सली एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया और ये जो झारखंड जन मुक्ति परिषद का एरिया कमांडर है और इसमें झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में 31 मामले दर्ज हैं और वहीं 2 अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 नक्सली सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नारायणपुर, खुनकुरी और करमा क्षेत्र से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक AK-47, 90 जिंदा राउंड, कारतूस, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य समेत 6 मोबाइल यहां पर पुलिस ने बरामद किए हैं और दैनिक उपयोग की चीजें भी बरामद की गई हैं। और इस दीपक, ये बात निकल कर आई है कि AK-47 इनके पास से मिली है। AK-47 कितनी इनके पास से मिली है और AK-47 का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। दीपक जी, बिल्कुल, यहाँ पर सरगुजा आईजी पहुंचे थे और हमने उनसे सवाल भी किया कि AK-47 जैसी हथियार उनसे बरामद की गए हैं, तो पुलिस का कहना था कि अभी इसकी ट्रैकिंग की जा रही है कि AK-47 कहाँ से इनके पास आया है और जो आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जशपुर जैसे शांत जगह पर, शांति का टापू माना जाता था जशपुर, पिछले एक दशक से अधिक समय से यहाँ पर नक्सली गतिविधियां समाप्त हो चुकी थी और जैसे ही बस्तर, झारखंड जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों ने शक्ति दिखाई और वहां पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई, उसके बाद जशपुर जैसे शांति के टापू में इन नक्सलियों का पहुंचना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से झारखंड की सीमा पर जशपुर जिला स्थित है और नक्सली गतिविधियां यहां से पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और मुख्यमंत्री के गृह जिले और गृह क्षेत्र से नक्सलियों की अगर गिरफ्तारी हो रही है तो कहीं ना कहीं जो वाकई इशारा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, वक्त की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और क्रॉस फायरिंग में एक महिला को गोली लग गई है। एसपी ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। हालांकि जो ग्रामीणों का आरोप है वो ये कह रहे हैं कि घर में घुसकर गोली मारी गई है। ये 2 अलग अलग विरोधाभासी बातें हैं। एसपी ने इस मामले में जांच की बात कही है। आमतौर पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है मुठभेड़ का, जवानों की तरफ से, नक्सलियों की तरफ से नहीं होता है। वो महिलाओं को ढाल बना के मुठभेड़ में हिस्सा लेते हैं। तो बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में एक महिला को गोली लगी है। हालांकि इसमें आरोपों की बात आ रही है कि वाकई ये क्रॉस फायरिंग के दौरान गोली लगी है या कोई इसकी और वजह है। इलाज के लिए महिला को बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है।
बजे के लगभग नक्सली एवं पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ पश्चात घटनास्थल की सर्च करने पर घटनास्थल से भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री, नक्सल साहित्य एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई। पुलिस और माओवादियों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में बुड़गा निवासी 44 वर्षीय महिला राजे ओयाम को गोली लगी। घायल महिला को दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं, कल बोड़गा के जंगल में बैरमगढ़ एरिया कमेटी के माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें डीआरजी एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम बोड़गा, ताकिलोड, उसपरी और की ओर निकले थे सर्चिंग पर। मुठभेड़ में बैरमगढ़ कमेटी के कुछ एरिया कमेटी कुछ माओवादी के सदस्य के घायल होने की भी पुलिस ने दावा किया है। मुठभेड़ घटनास्थल पर सर्च करने पर भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री, नक्सल साहित्य एवं दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद किया गया। हालांकि पुलिस ने आसपास की क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी है। मैं आपको बता दूं कि ये इसी क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में एक महिला को गोली लगी है, जिसको भैरमगढ़ प्राथमिक उपचार केंद्र लाया गया था और वहां से अच्छी सुविधा नहीं होने की वजह से जगदलपुर रेफर किया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस तरह की घटना पिछले दिनों भी हुई थी, जब एक क्रॉस फायरिंग में एक ग्रामीण की जान गई थी। हालांकि इस क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने महिला के पास पहुंची और उसे उसकी मदद भी की और जो जगदलपुर भेजा गया, इन्हीं का ही एक प्रयास है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिनेश हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर कवर्धा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया, पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की हुई। गेट तोड़ने के दौरान विवाद बढ़ गया। पोड़ी गांव का ये पूरा मामला है। कवर्धा में टीम पहुंची हुई थी अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की हुई और गेट तोड़ने के दौरान विवाद एकदम बढ़ गया। पोड़ी गांव का ये पूरा मामला। इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है अवैध शराब बिक्री के खिलाफ। इन्होंने प्रदर्शन किया है। भटगांव थाने में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, गांव में बिक रही शराब के विरोध में मोर्चा इन्होंने खोल दिया है। थाना प्रभारी से शराब बिक्री की शिकायत की गई थी, जब शिकायत नहीं सुनी गई तो महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। और